शिक्षक डरे समय हैं, कहते पाठक जी के रीजन से ही शिक्षक डर चुके हैं और सहम चुके हैं कि वो कोई भी आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, कि अगर सच्ची बातें हैं सही बातें हैं फिर भी अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनका वेतन बंद कर दिया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, सस्पेंड कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि लोग अपनी बातों को रखने के क्रम में आज शिक्षक बर्खास्त तक हो जा रहे हैं। तो इसलिए शिक्षक डर गए हैं, सहम गए हैं, लेकिन ये डर और सहम जो है बहुत ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं रह सकती है। शिक्षक कभी ना कभी आंदोलित जब होंगे तो फिर ये आंदोलन रुकेगा नहीं, लेकिन अभी तत्कालिक रूप से अगर देखा जाए तो शिक्षक की जो परेशानी है उसे समझने वाला कोई नहीं है और उस पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिस राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नहीं चल पा रही है, उस राज्य में किसी मंत्री की नहीं चल पा रही है तो किसका चलेगा, सोचने वाली बात है। MLC चिल्ला रहे हैं लगातार, सदन में बोल रहे हैं, सदन की बातों को पटल पर लाया भी जा रहा है, लोगों के संज्ञान में भी आ रहा है। जिस तरीके का बैग घोटाला हुआ, डेस्क बेंच घोटाला हुआ, समरसेबल घोटाला हुआ, लेकिन इन सारे मामलों में लिपापोती का काम चल रहा है, किसी भी स्तर से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि जो NGO कार्य किए हैं पता नहीं उन लोगों ने क्या चीज़ सुंघा दिया है पदाधिकारियों को कि पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही NGO के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये सब एक पूरे बिहार में एक अराजकता की स्थिति है और सभी शिक्षक नेतृत्वकर्ता, लगभग शिक्षक नेतृत्वकर्ता मौन हो चुके हैं। जो कुछ शिक्षक नेतृत्वकर्ता बोलते थे, अपनी बातों को आवाज़ में देते थे, अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, उन्हें या तो सस्पेंड कर दिया गया है या फिर उनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये सब दुर्भाग्य की बातें हैं और इस तरीके का अगर बिहार में हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिहार के लिए गौरव की बात नहीं है बल्कि शर्मनाक बात है। और एक जो बिहार में एक 5 साल, जो 2005 से लेकर 2010 तक की जो नीतीश कुमार की जो शासन प्रणाली थी उस पर भी अब प्रश्न उठने लगा है, क्योंकि वो 5 साल तो ठीक था लेकिन उसके बाद के 10 साल बिल्कुल ही सभी लोग जान रहे हैं कि वो सही रूप से कार्य नहीं हुआ, नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार का बढ़ावा हुआ है, कोई भी पदाधिकारी किसी की सुनता नहीं है और कोई भी पदाधिकारी किसी भी शिक्षक को सस्पेंड कर दे रहे हैं, उस पर अनलीगल रूप से कार्रवाइयाँ कर दे रहे हैं, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए और कहीं से भी मानवाधिकार के तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं उठ रही है और ना ही हाईकोर्ट हैं वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। शिक्षकों के लिए जो समान कम समान वेतन था या बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो शिक्षकों के समर्थन में कोर्ट ने ही शिक्षकों के लिए प्रमोशन का आदेश दिया गया, उस प्रमोशन पर भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। ऊपर से नई नियमावली ला करके नई बहाली की जा रही है, यानी कि आप पहले से शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और फिर से नए जगह पर नई पदस्थापन होगा। अगर 17 साल 18 साल 15 साल का जो आपका सर्विस है उस सर्विस को कहीं भी जोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ों को अगर मिला दें, सारे चीज़ों को अगर देखें तो निश्चित तौर पर बिहार में एक बहुत ही शर्मनाक की स्थिति में जा रही है। बिहार की जो स्थिति है बहुत ही शर्मनाक है और कोई भी काम यहाँ पर सुचारू रूप से जो शिक्षा विभाग में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। किसी भी चीज़ का भाउचर जितना बन रहा है उस अनुसार कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। तो इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और कुछ ठोस निर्णय लेना चाहिए। खास करके हम बिहार के जनता से ये हम मांग करते हैं कि आप लोग खुद निर्णय कीजिए। ठीक है, शिक्षकों के ऊपर जो कार्रवाइयाँ होनी थी, शिक्षक विद्यालय से कुछ शिक्षक भागे रहते थे, शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं आते थे, अब उन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं, लेकिन अब तो कम से कम शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उचित जो कदम है उस पर कार्य होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो पैसे आ रहे हैं उसका सदुपयोग होना चाहिए। अगर सदुपयोग नहीं हो रहा है तो बिहार की जनता को आवाज़ इसके खिलाफ उठाना चाहिए। आप स्वयं सोचिए कि जो बच्चे हैं विद्यालयों में, उन बच्चों को जो बैग
या किट मुहैया कराया गया है, क्या वह उस मूल्य के लायक वह उपलब्ध जो कराया गया है वो है? अगर है तो कोई बात नहीं है, बिहार की जनता को तो फ्री में कोई भी सामान मिलता है तो उसको लेने के लिए तो उतारू हो जाती है। लेकिन उस पर सोचना ये भी चाहिए कि जब फ्री में मिल रहा है, लेकिन फ्री वह नहीं है, किसी न किसी हमारे आपके मध्यम वर्ग के या गरीब वर्ग जो भी है उनके टैक्स के पैसे से ही ये सारा काम हो रहा है। तो कहने का मतलब टैक्स सबको देना पड़ता है, तो उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए न कि दुरुपयोग होना चाहिए। तो जिस तरीके से बंदरबाट लगातार चल रहा है, बंदरबाट हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। अगर रोक नहीं लगी तो और भी बहुत सारे घोटाले, और भी बहुत सारे इस तरह की अनियमितता देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तक जितने भी घोटाले हुए हैं उन सारे को अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो 4 घोटाले से भी 12 घोटाला ये साबित होने वाला है। लेकिन उस पर ठोस रूप से कोई जांच ही नहीं कर पा रहा है, ठोस रूप से उस पर जांच कोई कराने वाला नहीं है। किसी किसी जिले में जांच हुए भी हैं तो उस जांच का प्रतिफल सही रूप से नहीं आया है। आज भी सवाल वहीं का वहीं है कि क्या समरसेबल जो पंप हलते हैं लगाए जाते हैं, क्या 2,64,000 का या 2,60,000 उसका लागत हो सकता है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ 250 से 60 फीट हलाया गया है। जो बेग सदन में भी जो MLC महोदय ने क्वेश्चन किया था कि जो बेग किट का दाम 150 रुपया अधिकतम हो सकता है उसका दाम 1,300, 1,400, 1,500 रखा गया है। तो ये सारी बातों को अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ी बात है। फ्री फायर स्ट्रक्चर बनाया गया था उसमें भी वही बातें हुई। जो डेस्क बेंच दिया गया है तो उसका न पलाई दिया गया, न लकड़ी दिया गया, बल्कि उसमें एक कूट से बना हुआ, निर्मित किया हुआ, भूसा कहिए तो या कूट कहिए, उससे निर्मित किया हुआ उस पर पलाई उस पर चढ़ाया गया है, जो कि ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ऐसे परिस्थिति में सोचने वाली बात है, जो बिहार की जनता है उससे सोचने को मजबूर होना चाहिए कि इस तरीके की बात अगर हो रही है और आप लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता सो चुकी है। और ऐसे परिस्थिति में आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को नेरी परानी है जो है उस पर ही सारे बोझ को डाल देना, शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में संलिप्त कर देना, शिक्षकों को अन्य रिपोर्टों में संलग्न कर देना, जिसके वजह से शिक्षक सुचारू रूप से अपने विद्यालय को नहीं समय दे पाते हैं। अभी भी ऐसा कार्य किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों से बचने की जरूरत है शिक्षक को, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की जो तुलना करते हैं तो प्राइवेट स्कूल की तरह शिक्षकों को स्वतंत्र छोड़ना होगा, शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए रखना होगा तब जाकर के, और मूलभूत जो सुविधाएँ हैं उसको उचित स्तर से मुहैया कराया जाना चाहिए, तब जाकर के सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो शिक्षा विभाग से संबंधित जुड़ी हुई बातें आप लोगों तक हम पहुँचाने का कोशिश करते हैं। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।